तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिप टीवी की एक हॉरर सीरीज। क्रिप टीवी एक फॉरेन चैनल है, इनके 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये लोग ओरिजिनल शॉर्ट हॉरर फिल्म बनाते हैं। इनकी हॉरर सीरीज में उनके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर्स भी प्रेजेंट है। तो इनकी ही एक हॉरर सीरीज शैली में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज के 2 सीजन है और इसमें से फर्स्ट आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ये सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ने स्कूल के स्टेज पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है और ये सब देखकर स्टूडेंट यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो सीन शिफ्ट होकर 20 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल की रियूनियन पार्टी चल रही थी। उस सीन में हमको 3 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, हाइडी, निक्की और लॉरेन। तभी स्टेज पे एक लड़की अनाउंसमेंट करती है जिसका नाम था ब्लॉबी। सभी दोस्तों में बातें होती है कि 20 साल पहले एक लड़की ने यहाँ पे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, उसका नाम था शेली कार्टर और वो लड़की यहाँ की हॉकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। ये सब सुनकर लॉरेन थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो बाथरूम चली जाती है। उसे बाथरूम यूज करते समय फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पे वो देखती है कि 20 साल पहले वो और उसके फ्रेंड्स शेली कार्टर को कैसे बुली करते थे। वो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट थी और वो बहुत साइलेंट थी। और एक दिन ऐसे बुली करते वक्त उन्होंने उसके टाई से उसका गला दबा कर उसे मार डाला था और फिर उन्होंने उसकी लाश स्टेज पर टंगा दी थी ताकि सबको लगे कि उसने सुसाइड कर ली है। उसे होश आता है और वो वहां से जाने वाली रहती है। वो देखती है कि बाथरूम का डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा है। तभी उसे बाथरूम से अजीब सी आवाजें आती है। वहां पे देखने पर उसे शैली का भूत दिखाई देता है। उसके पास उसकी हॉकी स्टिक भी थी और फिर शैली का भूत उसी हॉकी स्टिक से उसका जबड़ा निकालकर उसे मार डालता है। लॉरेन के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो अभी तक नहीं आई, इसलिए हाइडी और निकी उसे ढूंढने के लिए बाथरूम की ओर जाते हैं। उन्हें बाथरूम में लॉरेन की लाश मिलती है जो गले में वैसे ही टाई टंगा था जैसे उन्होंने शैली के गले में टंगा था। और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि किसी को इनके बारे में पता है। वो वहां से भागते हैं। तभी उनको हॉलवे से शैली का भूत आते दिखता है। वो वहां से भाग जाते हैं और एक रूम में जाके छुप जाते हैं। उनको वहां पे एक खिड़की ओपन दिखती है तो वो वहां से जाने वाले रहते हैं, लेकिन शैली का भूत निक्की के पैर पर मारकर उसे जख्मी कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर शैली बॉल से निक्की का सर पर मारती है जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। हाइडी वहां से भागती है और हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुन पाता आज पूरी डोर और खिड़कियां बंद थी। वो भागते हुए स्टेज में जाती है जहाँ उसे शैली दिखती है। वो उसका मास्क उतारती है और हमें पता चलता है कि ये ब्लॉबी है। ये वही लड़की जिसे हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था। वो हाइडी को बताते है कि जब वो लोग शैली को मार रहे थे तब उसने उन्हें देख लिया था। उसने तो ये भी देखा था कि कैसे उन्होंने उसे स्टेज पे टांग दिया ताकि सबको लगे कि शैली ने सुसाइड की है। उसने ये बात टीचर्स को भी बताई लेकिन कोई भी उसका बिलीव नहीं कर रहा था। तभी हाइडी उसके पैर पे एक स्क्रू ड्राइवर घुस आती है और वहां से भाग जाती है। ब्लॉबी हाइडी को बोलती है कि वो अकेली नहीं है और हम लोग देखते है कि हाइडी के पीछे से शैली का असली भूत आ जाता है और फिर हॉकी स्टिक से उसे मार डालता है। तो अगर आप लोग यहाँ थोड़े कन्फ्यूज हो गए होंगे तो मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 किलर है, एक शैली का भूत और दूसरी ब्लॉबी जो उसकी मदद कर रहे थे। वो दोनों हाइडी की लाश को उसी स्टेज पे लटका देते हैं जैसे कि उन्होंने शैली को लटकाया था। सीन शिफ्ट होकर शैली और ब्लॉबी को दिखाता है, जहाँ ब्लॉबी उसे बोलती है कि हमने कर दिखाया और ये हमारे फ्रेंडशिप की शुरुआत है और सीजन 1 यही पे खत्म हो जाता है। इस सीजन के एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम स्कूल के फैकल्टी पर एक खून से बना सर्कल देख पाते हैं। इसका मतलब अब शैली स्कूल के स्टाफ मेंबर को मारने वाली है, लेकिन क्यों ये हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। तो इस सीरीज में और भी सस्पेंस है जो हमें सीजन 2 में देखने मिलने वाले हैं।